संस्कार है उसमें कहीं ना कहीं जो पौरुषता है, जो उत्तम संतान है, उसकी प्राप्ति अगर हमें सही में करनी है तो माँ का रोल होता है। एक चीज हो गई, उसके साथ एक ऐड और करूंगी, क्योंकि जो जीवन के अनुभव हैं वो कटु जब जीवन के अनुभव होते हैं तभी हम उन अनुभवों से सीखते हैं। तो सोनीपत में जब पोस्टिंग थी एज ए मेडिकल ऑफिसर, तो वहां पे बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हर घर में देखते थे कि औरत चाहती है, बहुत अच्छा करना चाहती है, लेकिन घर का माहौल ऐसा टेंस्ड कर दिया जाता है, इतना स्ट्रेस कर दिया जाता है। खाने की तो बहुत दूर की बात है, एक उसके दिमाग में चिंता होती है भी पहले लड़का हो जाता तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया है, पहले लड़का हो जाएगा तो जान छूटेगी। क्यों? क्योंकि ये जो समाज में ऐसे चल रहा है ना, पूरा जो समाज में आज भी अभी भी स्थिति यही है, चाहे हम उस स्थिति को थोड़ा बहुत कवर कर पाए हैं लेकिन पूरा कवर नहीं कर पाए, आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज अभी भी है कि भाई लड़का बहुत जरूरी है। और इसी के पीछे मैंने ये जो संस्कारों की बात आप जो कर रहे हैं, 16 संस्कार, ये पुस्तक भी मैंने तभी पढ़ी थी, और शायद मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, शायद विनीता मैम और जो अन्य जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि एक बार जब वहाँ पर ऐसे बात करते करते कि भाई लड़की भी जरूरी है लड़का भी जरूरी है इस बात के ऊपर, तो मेरे को एक बार हमारी पूरी टीम को, डॉक्टर्स की टीम को धक्का दे दिया था एक एक घर ने, एक किसी गांव में हम गए थे, तो उन्होंने धक्का दे के कहा कि तू जा ना, तेरे जैसे बतेरी देखी हमने डॉक्टर ने, यूँ कहा भाई तू जो है छोरा तो बहुत जरूरी है, छोरा तो लाकड़ी देगा ही हमने जब मरेंगे तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली। तो उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई, और उस वक्त ये गोहाना वाला जो किस्सा था, आपस में जो लड़ाई झगड़े थे वो चल रहे थे, तो उस वक्त मैंने ये 16 संस्कार और जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में उस वक्त पढ़ा था। आज से लगभग हो गए 2006 या 7 की बात है ये, तो उस वक्त जब पढ़ा तो उस वक्त मेरे को ये बातें समझ आई कि अंतिम संस्कार में जो पौरुषतव संतान है, जो उत्तम संतान है, वो संस्कार दे सकती है। उसमें बात कहीं उन्होंने लिखा ही नहीं कि लड़की या लड़के की बात नहीं लिखी, उन्होंने लिखा है कि जो उत्तम संतान है। अब एक बिल्कुल निकम्मा बच्चा होगा, अगर वो अंतिम संस्कार देगा तो निकम्मा तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो वहां से इस बात को मेरे को क्लैरिटी हुई कि नहीं, हमें एक उत्तम संतान की जरूरत होती है। दूसरा, फिर जब मैं मेडिटेशन में आई और मेडिटेशन में आने के बाद मैंने गीता में गीता गीता को बहुत सही ढंग से पढ़ा, तो उस वक्त मुझे बात समझ आई कि जन्म परंपरा, कि एक जन्म में हम अगर औरत हैं तो एक जन्म में हम पुरुष होते हैं, एक जन्म में हम मुस्लिम हैं तो एक जन्म में हम हिंदू हैं, एक जन्म में हम यहाँ हिंदुस्तान में जन्म ले रहे हैं तो एक जन्म में हम दूसरे देश में जन्म लेते हैं। जब ये बात समझ आ गई, जन्म परंपरा ही समझ आ गई, तो फिर कहानी खत्म हो गई कि भाई कब लड़का और कब लड़की, भाई किसी के घर में लड़की आ जाए किसी के घर में लड़का आ जाए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। अब वो जो बिल्कुल समान दृष्टि है वो इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि लड़की तो चाहती है, बहू भी चाहती है, और वो घुटन महसूस करती है अगर उसके, मतलब मैंने जो पुस्तक लिखी, औरत पुस्तक लिखी, आज से लगभग 5 साल बात हो 5 साल हो गए, तो जब औरत पुस्तक लिखी तो उसमें यही बात लिखी कि अगर मान लो किसी के तीसरा बच्चा हो रहा है, चौथा बच्चा हो रहा है, हर घर में ये स्थिति है। आज अगर हम डीपर लेवल पे कहीं जाएं तो हर घर में ये स्थिति है कि भाई तेरे तो चार छोरी होगी, चार छोरी होगी, चार छोरी होगी। दिमाग में इतना माँ के इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि अगर उसके वो पांचवा लड़का भी होगा ना तो पांचवा लड़का भी लड़की जैसे ही पैदा होगा। क्यों? क्योंकि उसको इतना स्ट्रेस दे दिया जाता है, उसको इतना मतलब दुखी कर दिया जाता है, वो इतनी टेंस्ड होती है कि वो पांचवा बच्चा जब पैदा करती है तो पांचवें बच्चे के वक्त उसकी हालत देखो कितनी नाजुक होती है। तो ये जो चीज है ये हमें मतलब जागना चाहिए कि, और जगाना चाहिए, जैसे आपने बताया कि पुंसवन संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, करण वेद संस्कार है, इन सब संस्कारों का जानकारी होना चाहिए। और मैं अभी जब आप बता रहे थे ना तो एक दिमाग में और आ रही थी कि हमारे जो संत हैं, ऋषि हैं, वो तो चले गए, लेकिन उसके जाने के बाद हम उनका इंटरप्रिटेशन, उनको जैसे आप जो दया मैम हैं, जो आप हो, आप उस ज्ञान को कैसे उतार रहे हो,
उस ज्ञान को उतार के लोगों के जहन में कैसे उतर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे कि अब अंतिम संस्कार के बारे में गांव के लोगों में तो ये है कि भाई लड़का छोरा होना चाहिए, छोरा होना चाहिए, लेकिन अगर पौरुषता के ऊपर बात करें तो पौरुष का मतलब वहां पे बताया कि पौरुष यानी कि उत्तम संतान।